अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रत्न सिकंदर जी, देवेश्रम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, इकबाल सिंह, बिनी वोहरा, मोहित जैन, उषा देवी, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम सर्वशक्ति कमलासनाय नमः स्वाहा। वरुणस्य उत्तम भनमस्य वरुणस्य स्कम भनस्तु वरुणस्य ऋतु सदनेसि वरुणस्य तुमति पते वरुणाय नमः स्वाहा। आदिशे नरद शार्दमानो ये शतमति चरणेन सवितो गतेन देवो याति भुनान् वश्यन्नः पुरियाय नमः स्वाहा। गते देख लो दिन रविवार 11 बजे माँ भगवती का कीर्तन असी इसे प्रांगण च कर रहे हैं। 11 बजे तो लैके 1 बजे तक सारी संगत ने पहुँचना और असी कोई पार्टी नहीं बुलाई, क्यों कुछ नहीं किया, असी आप ही जो भी साढ़े संगत आप ही गा सकते हैं। वो महाराणी के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਗਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੱਤੇ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ 11 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੈਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹਵਨ ਹੋਣਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਜੇ 27-28 ਤਰੀਕ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਹਵਨ। ਅਸੀਂ 2024 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ, 2023 ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਔਰ 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ।